Hi friends, welcome back to my channel, another video, and I'm back, right? So many of you may not know me. So I'm Dr. Devendra. I'm a full-time trader. Post PhD, I was working as a scientist in Sun Pharma, and then after that I have taken up this research, which I'm going to present before you with these kind of results. Okay, like aaj hai 13 tarikh, you know, aaj 18 tarikh hai, sorry. Okay, because 13 tarikh ko ye call di thi maine. ओके, सो 18 तारीख है, 18 जनवरी, और 13 तारीख को मैंने ये कॉल दी थी TCS 3305C, एंड यू कैन सी द परफॉर्मेंस, इट इज रोरिंग एट 105+. सो अगर इस तरह के परफॉर्मेंस देख के आपको बहुत अट्रैक्शन होती है, और जैसे कि एशियन पेंट्स का 2900 की कॉल 72 पे, एंड यू कैन सी दैट इट इज ऑल्सो रोरिंग एट 86 to 87. एंड मुझे बस सिर्फ आपसे ये डिस्कस करना है कि अगर आपको इसमें इंटरेस्ट आता है तो पहली बात तो आप ये चैनल ज्वाइन कर लो. अगर और बेहतर करना है तो आप ट्रेडिंग यूनिवर्स ज्वाइन कर सकते हैं, फायर्स और एंजल का अकाउंट खोल के. अभी तक तो आप सुन के आपको आदत हो गई होगी, ठीक है. ये दो चीज़ें तो आपको कर ही सकते हो, लेकिन इसके साथ में अगर आप अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करना चाहते हो और समझना चाहते हो कि मैं किन मेथड्स को फॉलो करता हूँ और मैंने फुल टाइम ट्रेडिंग कैसे शुरू करी, क्या रीज़न है उसका कि मैं आज इतना सक्सेसफुली आपको बता सकता हूँ, सो आई एम टेकिंग यू टू दिस पर्टिकुलर सेटअप ऑफ रैंको चार्ट्स. सो से नो टू नॉइज, से नो टू नॉइज. ओके, ये देख के तो बहुत अट्रैक्शन फील हो रही होगी ना आपको कि यहाँ पे मैं सेल कर देता, यहाँ बाई कर लेता, यहाँ सेल कर लेता, तो आज तक मुझे धरती पे ये चीज़ पता ही क्यों नहीं थी, मैं क्यों अभी तक इस तरीके से ट्रेड नहीं कर रहा था जिस तरीके से सर यहाँ पे बता रहे हैं. वॉट हैज़ मेड एंड स्टॉप्ड यू फ्रॉम ट्रेडिंग लाइक दिस? That is what is my problem, that is what is my concern, that is what is my motto to take you here, ताकि मैं आपको यहाँ पे बुलाऊं और आपको सिखाऊं, समझाऊं कि देखो एक तरीका ये भी होता है. तो ये है रैंको चार्ट्स. रैंको चार्ट्स जिनको नहीं मालूम है, वो जब नॉर्मल चार्टिंग आप यूज़ करते हैं दोस्तों, वो ऐसा कुछ दिखता है, ठीक है, ऐसा कुछ दिखता है. ये जो आपको आँख के सामने दिख रहा है ना, ये ऐसा कुछ दिखता है. सो इसमें क्या होता है प्रॉब्लम कि आप ये कैंडल स्टिक्स के चक्कर में नीचे ऊपर करते रह जाते हो. जब ये कैंडल नीचे आती है, ऑफकोर्स ओवर द लॉन्ग रन अगर आप इसमें सक्सेसफुल हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है. लेकिन अगर आपको ये कैंडल स्टिक्स डराती हैं, आप में से कई सारे लोग होंगे जिनको ये डराती है, मुझे भी डराती हैं, ठीक है, मुझे बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है इस चीज़ की, लेकिन फिर भी अपने आप को एज अ ट्रेडर, आपकी साइकोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए, मेथडोलॉजिकली काम करने के लिए, एक्सपेरिमेंटली काम करने के लिए, डेटा के साथ काम करने के लिए, स्टैटिस्टिकली काम करने के लिए, ये सब बहुत ज़रूरी है कि आप पैटर्न्स को प्रॉपरली समझना शुरू करो और आप इन तरीके से ट्रेड करना शुरू करो. तो कितना अच्छा यार है, हमें खरीद लेते, कितना बड़ा पैसा बनाते. आई एम नॉट हियर टू फ्रॉड यू, आई एम नॉट हियर टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट दिस इज द थिंग दैट वर्क्स. एक्चुअली रैंको के अपने अपने प्रॉब्लम्स है, लेकिन पिछले 5 सालों से, 5 years आई हैव पुट ऑन दिस अलॉन्ग विद माई PhD. तो इससे पहले अगर आपको नहीं पता कि मैं कौन हूँ, है ना, और मैं यहाँ पे आपको ब्लफ तो नहीं मार रहा हूँ, है ना, तो आप जाके मेरा गूगल स्कॉलर प्रोफाइल देख लीजिए, जाके वहाँ पे देखिए कि हु एम आई, एंड इफ यू सी एंड कन्विंस इज कन्विंस दैट ये बंदा नहीं, ये बंदा झूठ नहीं बोल रहा है, ये बंदा सच बोल रहा है. आप मेरा प्रोफाइल यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो, फिर उसके बाद में यहाँ पे आ जाना, ओके, एंड फिर चेक कर लेना, बिकॉज कई सारे लोग कमेंट में अपना टाइम बर्बाद करेंगे. इससे अच्छा है कि आप लोग पहले समझ जाओ, सीख जाओ, फिर उसके बाद आ जाओ, कोई बात नहीं. तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि माई बिगेस्ट क्रिएशन ऑफ लाइफ टाइम, जो मैं आपको साथ शेयर करने वाला हूँ, ओके, अबाउट रैंको. रैंको को शेयर करने वाला हूँ आपके साथ में, जिसमें कि मैं आपको बताऊँगा एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी डिजाइन टू कॉन्क्वर, वो है शैडो कैंडल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी. शैडो कैंडल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, ओके, एंड विद दिस शैडो कैंडल स्ट्रैटेजी आप इंट्राडे के लेवल्स बहुत बढ़िया तरीके से निकाल सकते हो और उसमें ट्रेड कर सकते हैं. ट्रेड किससे करना है? रैंको से ट्रेड करना है. अब यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, उनको ध्यान से सुनना. इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये क्या है कि रैंको जो होता है वो रीपेंटेबल होता है, रीपेंटेबल होता है। दूसरा भ्रम बताता हूँ मैं आपको, भ्रम ये है लोग बोलते हैं ये टाइम इंडिपेंडेंट होता है, बट ये एक्चुअली टाइम डिपेंडेंट होता है। इसका मतलब क्या है, रैंकों में जो भी बॉक्सेस बनते हैं वो फिक्स बॉक्स होता है। जैसे वो 50 पॉइंट का, जैसे इसमें 50 पॉइंट डिफाइन किया हुआ है, तो ये 50-50 के ब्लॉक बन जाएंगे, लेकिन ये छपेंगे तभी इस चार्ट पे, जैसे अनप्रिंटेड स्ट्रेट है, ऊपर नीचे करता रहेगा, तो ये छपेगा तभी जब 15 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन जब 15 मिनट कंप्लीट ही हो जाएंगे तो आप उसको करोगे क्या, आप समझ रहे हो। तो दैट इज वाई दिस रैंको स्ट्रेटजी में दो चीजें इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती हैं। पहला जो होता है वो बॉक्स साइज, कि हर एक एंटिटी के साथ आप बॉक्स साइज कैसा रखोगे। दूसरा आपका टाइम फ्रेम कौन सा होना चाहिए, और आप कौन सी स्ट्रेटजी पे काम करोगे, कौन सा टाइम फ्रेम आप यूज करोगे, कैसे काम करोगे, इंट्राडे करोगे, पोजिशनरी करोगे। इन सब के आंसर्स पाने के लिए बहुत मेहनत की गई है मेरी तरफ से, और वही चीज़ डेटा चीज़ें सारी चीज़ें जो बिगेस्ट क्रिएशन आई एम ब्रिंगिंग अप टू यू इन गोवा। ओके, मैं गोवा में ये चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ ऑफलाइन प्रोग्राम में, एंड आई एम प्लानिंग दिस 1-day ट्रेडिंग वर्कशॉप on expiry special on 23rd March in Goa. So if you don't know how to trade with Renko, अगर आप परेशान हैं, आप एक ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो प्लीज़ कम एंड ज्वाइन विद दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। आप गोवा में आइए, मेरे से सीखिए, समझिए, जानिए, और आई एम गोइंग टू आंसर एवरीथिंग विच एवर इज इन योर माइंड। आई एम गोइंग टू ब्लो योर माइंड विद माई रिसर्च। The accuracy that you see on my charts, the accuracy, the precision that you see, level to level marking, everything, I am going to show it to you. आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे चले जाइए, ये चीज़ें ऑब्जर्व करिए, हाउ आई एम प्रेडिक्टिंग द मूव्स, एवरीथिंग। ऑफकोर्स प्राइस एक्शन के बेसिक्स तो चाहिए ही चाहिए, तभी आप चीज़ें पकड़ पाते हो, समझ पाते हो। लेकिन अगर आपको एक स्मूथ एक्सपीरियंस चाहिए प्राइस के बारे में, तो रेंको कैन हेल्प यू आउट। आई हैव ऑल्सो डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ रेंको, बट आई हैव रिजॉल्व ऑल दोज थिंग्स। आई हैव कम अप विद अ नॉन रिपेंटेबल स्ट्रेटजी फॉर रेंको। नॉन रिपेंटेबल, जैसे ही बॉक्स आए प्रिंट हो जाए, बॉक्स आए प्रिंट हो जाए, कौन सा बॉक्स रखना, कहाँ से रखना, कितना रखना, किस निफ्टी में कितना रखना, बैंक निफ्टी में कितना रखना, कौन सा टाइम फ्रेम रखना, एवरी आंसर विल बी प्रोवाइडेड टू यू। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, रजिस्टर फॉर दिस। कमेंट करके बताना आपकी अंडरस्टैंडिंग रेंको की क्या है, और ऊपर से क्या रैंको सच में काम करता है या फिर मैं सी बना रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, आप कुछ भी बोल सकते हो, सोच सकते हो, लेकिन मैं तो ये करके दिखा रहा हूँ कि हाउ इट वर्क्स। ओके, सो ट्रेड वेल। और ऐसे ही देखिए, आपको यकीन ना हो तो यहाँ पे देखिए, ऑफलाइन न्यू दिल्ली वर्कशॉप विद दिस पर्टिकुलर थिंग एंड सी द प्रोग्रेस ऑफ द पीपल दैट दे आर डूइंग। यहाँ पे 133 मेम्बर्स हैं, ठीक है, ये लोग मेरे से ट्रेन है, आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हो। ये चीज़ें, ये मेरा पहला बैच था, एंड गोवा इज माई बर्थ प्लेस, सो आई एम डूइंग दिस एक्टिविटी ओवर देयर वंस अगेन। आपका स्वागत है, ज्वाइन करिए। पैसे की प्रॉब्लम है ज्वाइन करने में, मुझसे डिस्कस करिए, आई एम गोइंग टू हेल्प यू विद इंस्टॉलमेंट्स और समथिंग। एंड डेफिनेटली सीखने वालों के लिए हमेशा जगह खाली है। थैंक, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय। यही बात बतानी थी, रैंकों के बारे में भ्रम ढूंढने थे, और आपको ये दिखाना था कि रैंको कैन बी अ पावरफुल टूल टू। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू अगेन, एंड लाइक्स करना मत भूलिएगा। सी यू अगेन, बाय।